गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग छोटी ई की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे, लेकिन छोटी ई की मात्रा से शब्द पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, छोटी ई से बने शब्द। तो छोटी ई से बने शब्द अलग हुआ और छोटी ई की मात्रा से बने शब्द को अलग हुआ, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, छोटी ई से बने शब्द। अगर मैं बोलूँ कि आप छोटी ई से बने शब्द को आप पढ़िए, तो आप लोग क्या पढ़ोगे और क्या लिखोगे आप लोग देखो। जैसे छोटी ई से बने शब्द को मैंने यहाँ लिखा है इत्र, ईस, इन, इसका, इनका, इतना, इलाज, इशारा, इरादा। तो ये क्या है, ये छोटी ई से बने शब्द है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग छोटी ई से बने शब्द पढ़ेंगे, इसको मात्रा लगाकर शब्द को पढ़ेंगे। अब छोटी ई से बने शब्द, अब देखिए छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा ये आपको पता है, ये क्या है, छोटी ई है और ये एक स्वर है, तो स्वर को ही, स्वर से ही मात्रा बनती है, स्वर की ही मात्रा होती है, तो ये छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा ये है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे ये छोटी ई है और ये छोटी ई की क्या है, ये मात्रा हुई। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, छोटी ई का ये मात्रा को आपको पहचान करनी है और याद करनी है। तो ये छोटी ई है और ये छोटी ई की मात्रा हुई, ये क्या हुई, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा हमेशा इस साइड से होती है, इस साइड से नहीं होती है, छोटी की मात्रा इस साइड से होती है। इसी मात्रा को हम लोग लगाकर शब्द बनाएंगे। अब यहाँ पर है दिए गए वर्णों में, यहाँ पर ये वर्ड है, आपको पता है कि ये अलग अलग क्या दिया हुआ है, वर्ण दिया हुआ है, तो इसलिए दिए गए वर्णों में उचित मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। इसमें क्या करने हैं, मात्रा को जोड़ने हैं, कौन सी मात्रा जोड़नी है, छोटी ई की मात्रा जोड़नी है। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा को जोड़कर क्या बनाने हैं, नए शब्द बनाने हैं। ये अनकम्प्लीट है, ये पूरा शब्द नहीं है, इसमें हम लोग मात्रा लगाएंगे तब ये क्या बनेंगे, सटीक शब्द बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो छोटी की मात्रा लगाने से पहले देखेंगे कि छोटी की मात्रा कहाँ लगेगी, तो यहाँ पर हरण है, लेकिन ये क्या बनेगा, हिरण। तो हिरण को बनाने से पहले सबसे पहले क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा सबसे पहले इसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। छोटी की मात्रा लगाकर फिर क्या लिखेंगे, पहले प्लस लिखेंगे, क्योंकि इसमें लगा कर जोड़ेंगे तब तो शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, तो छोटी की लग गया, फिर जोड़, फिर क्या है, हा है, हा जोड़, रा जोड़, ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हा। आगे क्या लगा हुआ है, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा ही में लगा है तो क्या लगे, ई र न। तो यहाँ पर एक हमको कंप्लीट शब्द मिल गए, ई र न, हिरण। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल दिए हैं कि आपको ऐसे लगाने हैं, लेकिन आपको इससे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें मात्रा लगाकर यहाँ पर शब्द लिख देने हैं, लेकिन मैं इसको क्या की, एक आपको एग्जांपल दी कि आपको ऐसे समझकर आपको वैसे बनाने हैं, लेकिन आपको वो डायरेक्ट जैसे है हम लोग को शब्द इसमें जो है कंप्लीट शब्द है इसमें छोटी की मात्रा लगाकर डायरेक्ट लिखने हैं और ये समझाने के लिए। तो हम लोग अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, त क्या होता है, तकिया। तो त अब किया मतलब छोटी ई किस में लगेगा, क में लगेगा, तो यहाँ पर की मात्रा तकिया, यहाँ पर इसे हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे इसे समझ कर। फिर क्या है, चढ़, तो क्या होता है, सबसे पहले चिड़िया मतलब च में छोटी ई की मात्रा, तो ची, च में छोटी की मात्रा ची, रिड़िया मतलब ड में भी छोटी ई की मात्रा ची, रिड़िया, चिड़िया, ये भी हमारा कंप्लीट एक शब्द बन गया। अब है न र य ल, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नारियल मतलब न में आ की मात्रा, तो न आ, ना, री, र में छोटी की मात्रा है,
या ला, तो क्या बन गया? नारियल। अब यह है कशमश, तो मतलब इससे क्या बनेगा? किशमिश। मतलब क में छोटी की मात्रा लगेंगे तो की, श, म में छोटी की मात्रा, मी, श, तो ये क्या बन गया? किशमिश। अब है प, र, व, र, तो ये देखो का अनकम्प्लीट है, इसको कम्प्लीट बनाने के लिए तो ये क्या होगा? परिवार, मतलब परिवार। तो पहले प लिखेंगे, रिवार मतलब र में छोटी की मात्रा लगेंगे, परिवार, परिवार। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बनेगा और किस वर्ड में किस अक्षर में मात्रा लग रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको सोच कर लिखने हैं। फिर क्या है? गलस, मतलब गिलास, मतलब ग में छोटी की मात्रा लग रहे हैं, तो छोटी की मात्रा पहले लगा देंगे। फिर गी, सब, तो ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट, ये सेंटेंस बन गया। इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या बनाते हैं, ये इसमें हम लोग सोच कर डायरेक्ट इसको एक फॉर एग्जांपल मैं देकर ये डायरेक्ट आपको क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। अब इसमें इसी में एक और कुछ मैं जोड़ रही हूँ, जैसे वर्णों को अलग करना, वर्णों को जोड़ना। अब यह है छोटी ई की मात्रा से बने शब्द, इसको हमने सब पढ़ लिया। थोड़ी सी छोटी की मात्रा से बने शब्द है, जैसे दिल, वो तो बिना मात्रा के शब्द थे, छोटी बस ई से थे, और ये छोटी ई से मात्रा लगाकर शब्द है। दिल, दिल, दिन, दिन, सिर, किताब, विमान, पहिया, चिमटा, तो ये सारे चीज़ मिलाकर छोटी ई से शब्द, छोटी ई की मात्रा